अब ये चल भी चलो हो गया बेटा तुम्हारा। हाँ बेटा, बाबू देवी पूछते हो तुम, ये भी तो पूछते हैं माता जी पर। पर कब से नहीं पूछी तुमने, मैं बोल रही हूँ बाबू, मेरे को बोलने दे पहले, ठीक है? तुम अपना भला चाहते हो, देवी देवताओं को तुम नहीं पूछते, तो कहाँ से तुम्हारा भला होगा? तेरी सन बहू की जो गोदनी भरी, इसमें भी तुम्हारे देवी देवता आगे आ रखे हैं, है ना बेटा? तेरा इस समय बहुत बस से बाहर है तेरे, गलत बोल रहे हो तब। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा बाबू, सबसे पहले अपने देवी देवताओं का करो, ठीक है? जब तक देवी देवताओं का नहीं करोगे तो ये संतान में भी तुम्हारे नहीं हो गए बेटे की, ठीक है? ये बेटा तुम्हारे बस से बिल्कुल बाहर हो गया, जो ये था ही नहीं था, बता। पहले तो बहुत था माता जी, ठीक है? और इसका पता है क्या, रात को डरता है, वो करता है, पता नहीं कभी कुछ है, कोई कहता कुछ लगा, कोई कहता कुछ है, रात को जो है रहता है, वो करता रहता है, दिमाग काम मतलब वो नहीं कर रहा। बाबू दिमाग काम नहीं कर रहा है, ये जो तुम्हारी कुल की देवी है ना, है कि नहीं? हाँ है, नरसिंह भी है इसके साथ में बाबू, है नहीं क्या? हाँ नरसिंह है। तब नरसिंह चल रहा है बाबू, बेटे में भी पंजा है, ठीक है? तो तुम एक काम करना, श्रीफल होता है, हाँ जी, श्रीफल लेना, हाँ जी, पीले कपड़े में, हाँ जी, ये बेटे के सर से वारना बाबू, ठीक है? तेरा बेटा ठीक हो जाएगा, ये पहले दवाई खिलाई क्या तुमने बेटे को? दवाई तो बहुत खा रहा है, बहुत दवाई खिला दी, पर फर्क नहीं, ये दिमाग की दवाई खिलाई तुमने? हाँ दिमाग की, दिमाग की दवाई चल रही है, हाँ चल रही है, फर्क नहीं पड़ रहा है बाबू, उल्टा करोगे तो कहाँ से फर्क पड़ेगा? 8-9 साल हो गए तुमने पूजा नहीं दी, 8-9 साल, ठीक है बाबू, 9 साल हो गए तो 8 साल कहाँ अटका है, 9वां साल लगा हुआ है, समझ गए? तब बिल्कुल तुम तो बाबू, कभी माता जी वो बोलता है मेरे को, मेरे बत्ती को जला दो, तूने मेरी बत्ती नहीं जलाई है बाबू, नरसिंह है, मैं क्या बोल रही हूँ, देवी है, जब तक अपनी देवी देवताओं का नहीं करोगे तो तुम्हारे घर में ना तो तेरी बहू की गोद भर सकती है बाबू, और ना तुम्हारे घर में कुछ अच्छा काम हो सकता है, ठीक है? बता क्या करूं? जैसा आप बोलोगे माता, क्या करूं बताइए, अपने मुंह से बोल रहा है तभी तुम्हें यकीन नहीं हो रहा, बताओ। देसी बन गए तुम, देश में रह के भूल गए अपने देवी देवताओं को, है ना? तो ये बीच में ये घर वालों ने किया भी था, तुम गए नहीं थे, बीच में गए थे, बीच में गए थे, तुम नहीं गए, नहीं हम नहीं गए थे, क्यों नहीं गए तुम? तो बाबू परेशान तो होंगे ना बाबू, परेशान नहीं होना क्या तुमने? माता जी आप नहीं सब ठीक करने, आप जैसा आप बोल रहे हैं बाबू, गोद तो भर जाती, दो पोते हैं तेरे, पर कहाँ से होएंगे? देवी देवताओं ने ये बीच में करा लेकिन तुम नहीं गए, नहीं गए तुम, जब स्थान में खड़े नहीं होंगे बाबू तो क्या होगा? बाबू क्या होगा बताओ, देश में रहो लेकिन कम से कम अपनी संस्कृति को तो मत भूलो बाबू, हमारी तो परंपरा है ये, और तुम लोग बाहर जाके भूल जाते हो, जब परेशान होते, जब तेरे बेटे पे इसने छल कर दिया, इतनी दवाई खिला दी, बता तुम बेटे को इतना परेशान, रात रात भर ये उठ के परेशान कर रहा है, अंड संड बोल रहा है, हैं? ये बहू की शादी को कितने साल हुए? बहू की शादी को 3 साल से ऊपर, ठीक है, कुछ नहीं है, नहीं। समझ गया, रिपोर्ट भी शीशे के जैसे साफ है, फिर भी कुछ नहीं है, सारा वो है बाबू, तुम्हारे तो सारे बंधन बंधे हुए हैं मेरे बाबू, तुम्हें तो घर जाना पड़ेगा, देवी देवताओं को मनाना पड़ेगा, और अगर तू ये काम करता है तो साल भर के अंदर पोता खिलाएगा गोद में, और उसके 2 साल बाद फिर दूसरा पोता खिलाएगा, वचन है इस माँ भगवती का, तेरा बेटा भी ठीक हो जाएगा बाबू। माता जी उसका कहीं ऊपर ऊपर का छल तो नहीं, उस पे जैसे बोलता है कि मेरी पति बाल दो पीर बाबा, मैं भरा कभी कुछ कहता कभी कुछ कहता बाबू, कुछ ना कुछ तो बोलेगा, पीर पुजवाएगा, पितर पुजवाएगा, ये जवान कौन जा रखा है परिवार में? जवान तो कोई नहीं है, जवान है बाबू, दिख रहा है, खड़ा है, पितर है तुम्हारा, जवान तो माता जी, बच्चा गया कोई नहीं माता जी, ऐसे तो नहीं गया बाबू, दिख रहा है, तीसरी पीढ़ी में दिख रहा है, ठीक है?
पहले गया होगा, पर हाँ, बछड़ी में नहीं गया। बच्चा है। अब उपाय क्या करना है माता जी? बाबू बेटे को मेरे पास लाओ। अच्छा ठीक है, ठीक है, पहले मेरे पास ला, उसके बाद उपाय के लिए बोलूंगी बाबू। ठीक है माता जी। ठीक है बाबू। ठीक है माता जी। जोत तभी लगाएगा जब ये बताएगा सच कौन है क्या है। ठीक है, नर्सिंग होगा तो नर्सिंग होगा, वैसे तो नर्सिंग का शब्द दिख रहा है। अभी रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा वहाँ? अभी रोकने के लिए श्रीफल ले जाना, 1.25 मीटर पीला कपड़ा, और अपने ये नाग नर्सिंग और कुल देवी के उठाना निकाल, 7 बार घुमाना सब परिवार बैठ के, और ये अरदास लगा देना। ठीक है, और इस माँ भगवती की अरदास लगाना, 11 रुपए में सूती कपड़ा लेना, और अपने मंदिर में रख देना, घुमा देना इसको 7 बार। ठीक है माता। ठीक है, ठीक है। तो देवी का दोस्तों अरदास के रूप में हट जाएगा, और जो नरसिंह का है, नाग भी है तुम्हारा, नाग नरसिंह है बाबू, एक शब्द झूठ नहीं बोल रही हूँ। ठीक है, दाग निकल रहे हैं? नहीं, दाग कुछ नहीं, नहीं निकल रहे बच्चों पे, दाग नहीं निकल रहे क्या? बेटे पे है बाबू तेरे नजर नहीं आ रहे होंगे, लेकिन दाग है इसके बेटे के गुप्त उसमें। ठीक है, दाग है इसके। ठीक है, हाँ, नागराज का भी दोष है तुम्हारे घर में। बाबू ये सब घर में इनको पूछते हो, तुम वहाँ पूछते हो दिल्ली में? दिल्ली में पूछते हो? घर में पूछते हो? तो घर में ही पूछोगे ना बाबू? जाना पड़ेगा माता जी, कोई जाना पड़ेगा बाबू, बिल्कुल जाना पड़ेगा। तुम कहीं भी चले जाओ, विदेश में चले जाओ, लेकिन देवी देवता पूजने तो घर ही जाओ। ठीक है माता। अच्छा है कि पूजने घर ही जाओ? तो बाबू अपने रीति रिवाज जो हमारे हैं उनको मत भूलो बाबू, फिर ऐसे ही परेशान रहो क्या फायदा? हाथ पैरों में दर्द किसके होते हैं? औरत है, और 11 रुपए की सूती कपड़े में अरदास लगा देना, हे माँ भगवती हमारे सारे काम बन जाए, दोष का निर्दोष हो जाए, तो फिर इस बच्चे को आपके दरबार में लाएंगे, फिर यहीं से निष्कर्ष निकलेगा कि क्या है क्या नहीं है। पीर है तो पीर भी निकलेगा, वैसे ये छल कर रहा है, नर्सिंग है ये। ठीक है, बाकी मैं देख लूंगी, यहाँ पे ले आना इसको। ठीक है माता जी। ठीक है बाबू, तुम्हें आराम मिल जाएगा। ठीक है माता जी। नहीं समझ में आई, नागर जगत तो नहीं करना उठाना? नर्सिंग और नागर जगत तो उठाना करवा रही हूँ। अलग अलग क्यों करोगे? माता के उसमें सारा, माता का तो बाबू मैं लाल कपड़े में बोल रही हूँ, सूती कपड़े में। अच्छा, अलग से पीला अलग। ठीक है, दो सिर पर रखने? एक ही सिर पर रखेगा बाबू। अच्छा।